हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम रिलीजन के ऊपर पार्ट टू डिस्कस करेंगे। दिस विल बी पार्ट टू। इससे पहले मैंने पार्ट वन बताया है, जिसमें मैंने रिलीजन को लेकर इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट अच्छे से आपको बताया है। आज की इस वीडियो में हम रिलीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि एक रिलीजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होती हैं, नेचर होता है, जो भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहली जो फीचर है रिलीजन की, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर पार्ट पहला नहीं देखा है तो वो पार्ट जरूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी होगा अगर आपने दूसरा पार्ट अच्छे से समझना है। तो सबसे पहली जो फीचर है रिलीजन की वो है यूनिवर्सल। जो रिलीजन है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन्स रिलीजन डज एग्जिस्ट इन एवरीवेयर। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर वुड बी रिलीजन। रिलीजन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रिलेशनशिप, बट अ सेट ऑफ बिलीफ, बट अ सेट ऑफ फेथ प्रैक्टिसेस इन ऑन सैक्रेड ऑफ सैक्रेड थिंग्स। एंड दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट बींग फॉलोड इन वन सोसाइटी ओनली, बट इन एवरी सोसाइटी। वेयर देयर सोसाइटी देयर वुड बी सम प्रैक्टिसेस। Where there is society, there will be some beliefs in supernatural being. Therefore, religion is universal. Religion एक universal है, सार्वभौमिक है। Religion कोई किसी एक स्थान पे पाई जाने वाली, किसी एक place में, किसी एक society में पाई जाने वाली कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये एक idea है, notion है, जो कि philosophy है, जो कि हर जगह विद्यमान होती है। जहाँ भी society होगी वहाँ पर beliefs मिलेंगे आपको। आप इंडिया में आ जाओ, यहाँ पर हिंदुओं के beliefs हैं, मुसलमानों के beliefs हैं, क्रिश्चन के beliefs हैं, यहूदियों के बिलीफ्स हैं, पारसी, जैन, सभी बुद्धिज़्म, सभी धर्म यहाँ पाए जाते हैं, उनके बिलीफ्स हैं। आप दूसरी कंट्री में चले जाओ, कुछ ट्राइबल लोग होते हैं, उनके अपने ही बिलीफ्स होते हैं, वो अपनी तरह से पूजा करते हैं, तो वो बिलीफ उनका जो वो पूजा कर रहा है वो रिलीजन ही तो है। तो रिलीजन जो है वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। रिलीजन यूनिवर्सल, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकेंड, एंशंट रिलीजन इज एंशंट कंसेप्ट एंड नॉट अ न्यू कंसेप्ट। रिलीजन जो है वो इतना ओल्ड है जितनी ओल्ड सोसाइटी है। जब से सोसाइटी बनी थी तब से बिलीफ्स पैदा हो गए थे, विश्वास करना किसी सुपरनेचुरल चीज़ के ऊपर पैदा हो गया था, शुरू हो गया था। तो रिलीजन एक एंशंट चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। आज हम सुपरनेचुरल पावर में विश्वास करते हैं, आज हम लोग किसी के ऊपर बिलीव करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं पवित्र चीज़ों की, तो आज ही नहीं करते हम ये सारी चीज़ें। हम पीछे सालों साल पीछे जाएं तो वहाँ भी ये सारी प्रैक्टिसेस करते थे, वहाँ भी हमारा बिलीफ था। आप आदि मानवों को देखो, उनकी भी अपने अपने बिलीफ्स थे। वो भी ट्राइबल लोग जो थे वो किसी पत्थर की पूजा करते थे, किसी को अपना भगवान मानते थे, और वहाँ भी बिलीफ्स विद्यमान थे। तो अगर रिलीजन की बात की जाए, इट इज़ वेरी वेरी एंशंट कंसेप्ट, वेरी वेरी ओल्ड कंसेप्ट, इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तीसरा आप ले सकते हो कि जो रिलीजन है इट इज़ परमानेंट, परमानेंट इंस्टीट्यूशन। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो परमानेंट ही होते हैं, टेम्प्रेरी कभी नहीं होते। एसोसिएशन टेम्प्रेरी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हमेशा परमानेंट ही होते हैं। देखिए, जो रिलीजन है वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। रिलीजन को मानने वाले, बिलीव को मानने वाले लोग ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो संसार छोड़ देते हैं, पर रिलीजन वैसा का वैसा ही रहता है। आज हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, मैं मर जाऊंगा कल को तो हिंदू धर्म को मानने वाले और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म को भी मान रहे हैं, कल को वो अपना शरीर छोड़ देंगे, वो मर जाएंगे, उनके बाद उनके अगली जनरेशन हिंदू धर्म को मानेगी। वैसे ही मुस्लिम धर्म में है, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में है। तो जो रिलीजन चीज़ है, जो धर्म चीज़ है, जो रिलेशनशिप है मैन और भगवान का, रिलेशनशिप है मैन और सुपरनेचुरल पावर का, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा विद्यमान रहता है। वो इंसान ख़त्म हो जाएगा पर वो रिलेशनशिप फिर किसी और इंसान के साथ बन जाएगा। तो रिलीजन जो है वो एक परमानेंट चीज़ है, ये टेम्परेरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ आप ले सकते हो, रिलीजन बिलीफ ऑन सम सुपरनेचुरल पावर। क्या होता है रिलीजन? रिलीजन का मतलब होता है किसी सुपरनेचुरल पावर में विश्वास करना। जब हम किसी ऐसी पावर में विश्वास करते हैं जो पावर हम ऐसे देख नहीं सकते, पावर को टच नहीं कर सकते,
वो एक आम आदमी देख नहीं सकता, एक इंसान, ए कॉमन पर्सन कैन नॉट सी द पावर, दैट पावर इज द सुपर नेचुरल पावर, एंड व्हेन सम बिलीव इन द सुपर नेचुरल पावर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, दिस इज अ रिलीजन। देयरफॉर रिलीजन क्या है, रिलीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि किसी सुपर नेचुरल पावर में, किसी सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस में बिलीव करना, विश्वास करना, किसी ऐसी चीज में विश्वास करना जो चीज हमारे सामने हम देख नहीं सकते पर उसे उसे मानते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको चार कैरेक्टर्स ये समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि एवरी रिलीजन हैज स्पेसिफिक प्लेस ऑफ वर्शिप। हर एक रिलीजन का अपना एक स्पेसिफिक प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, पूजा करने का अपना स्पेसिफिक प्लेस होता है हर एक रिलीजन का। हिंदू धर्म मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, सिख धर्म वाले गुरुद्वारे में जाकर पूजा करते हैं, जो मुसलमान हैं वो मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन हैं वो चर्च में जाते हैं। तो हर एक रिलीजन जो होती हैं, हर एक बिलीफ करने वाले लोग जो हैं वो अपने तरीके से वर्शिप करते हैं। एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन प्लेस ऑफ वर्शिप। जो भी रिलीजन है, जो भी लोगों के विश्वास है सुपरनेचुरल पावर में, तो वो लोग अपने तरीके से सुपरनेचुरल पावर का पूजा करते हैं, सुपरनेचुरल पावर की प्रे करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एवरी रिलीजन हैज़ अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ वर्शिप। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हिंदू गोज़ टू टेम्पल फॉर डूइंग द वर्शिप, मुस्लिम गोज़ टू मॉस्क्यू, एंड द क्रिश्चियन दे गोज़ टू चर्च। इसके बाद छठा पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हो, एवरी रिलीजन हैज़ अ स्पेसिफिक मोड ऑफ वर्शिप। एवरी रिलीजन has a specific mode of worship। हर एक रिलीजन का अपना एक स्पेसिफिक मोड होता है पूजा करने का, वर्शिप करने का। हर एक रिलीजन का अपना एक तरीका होता है। हिंदू लोग अग्नि की पूजा करते हैं, ज्योत जलाते हैं, धूप लगाते हैं, कुरान, जो मुसलमान लोग हैं वो कुरान पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन हैं वो चर्च में जाकर अपने तरीके से प्रे करते हैं। तो प्रत्येक जो रिलीजन के लोग हैं उनका पूजा करने का तरीका भी अपना होता है, प्लेस तो अपना होता ही होता है, कोई टेंपल है, कोई गुरुद्वारा है, कोई मस्जिद है, कोई मॉस्क, आपको पता है। वैसे ही पूजा करने का तरीका भी अपना अपना होता है, कोई धूप लगाता है, कोई ज्योत लगाता है, कोई ज्योत नहीं जलाता, कोई बस ऐसे ही प्रे करता है भगवान को याद करने के लिए। तो एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन मोड ऑफ वर्शिप, हाउ टू प्रे, हाउ टू रिमेंबर द गॉड, हाउ टू गिव ओन प्रेज टू गॉड। हर एक रिलीजन के अपने अपने स्पेसिफिक मोड्स होते हैं। होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। इसके बाद रिलीजन की एक और क्रेडिट्स बन सकती है हमारी, रेफर्स टू रिलेशनशिप, रेफर्स टू रिलेशनशिप। जो रिलीजन है वो रिलेशनशिप को रेफर्स करता है, किसकी रिलेशनशिप को, मैन एंड सुपरनेचुरल पावर। जो रिलीजन है वो क्या करता है, मैन एंड मैन के रिलेशनशिप को बताता है और मैन और सुपरनेचुरल पावर की रिलेशनशिप को बताता है। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये रिलीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।